आज हम जिस भी जानवरों को देख रहे हैं, चाहे वह शेर हो, हाथी हो या फिर आज की उड़ने वाली चिड़िया ही क्यों न हो, ये सब इतिहास के किसी पल में ऐसे नहीं थे। डायनासोर के बारे में तो लगभग हर कोई जानता होगा, लेकिन उस वक्त डायनासोर ही एकमात्र खतरनाक जीव नहीं था, बल्कि और भी कई खतरनाक और विशाल जीव इस धरती पर रहते थे। तो चलिए जानते हैं डायनासोर काल के 5 सबसे खतरनाक जानवरों के बारे में। नंबर 5, स्माइलोडॉन। स्माइलोडॉन अब तक का देखा गया सबसे बड़ा बाघ है, जो आज से 10,000 से लेकर 25,00,000 साल पहले पाए जाते थे। इनके दो दांत बाहर की तरफ हुआ करते थे और यह आज के बाघों से लगभग दुगुना बड़ा हुआ करते थे। यह उत्तर और दक्षिण अमेरिका में पाए जाते थे। इनका वजन 400 किलो तक हुआ करता था। आज के बाघ जंगल में अकेले रहते हैं, लेकिन यह अपने झुंड के साथ रहा करते थे। नंबर 4, ऑर्थोपोलारा। अगर आप इस जानवर को असलियत में देखते तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिखते थे। यह जानवर 29 करोड़ से लेकर 31 करोड़ साल पहले उत्तरी अमेरिका और स्कॉटलैंड में पाए जाते थे। इसे देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से शाकाहारी हुआ करते थे और सिर्फ पेड़ पत्ते ही खाते थे। इनकी लंबाई 2.5 से 3 मीटर तक होती थी। नंबर 3, टेरर बर्ड्स। ये पक्षी आमतौर पर दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते थे। यह पक्षी बहुत ही विशाल और मांसाहारी हुआ करते थे और बड़े बड़े जानवरों को मारकर भी खाया करते थे। यह आज से 18,00,000 से लेकर 6 करोड़ साल पहले पाए जाते थे। जब धरती पर सबसे पहले इंसान आए थे, तब तक यह पक्षी पूरी तरह से विलुप्त हो चुके थे। नंबर 2, क्वेट जाल कोटलस। यह अब तक के देखे गए सबसे बड़े उड़ने वाले जीव थे। यह 6 करोड़ से लेकर 7 करोड़ साल पहले उत्तरी अमेरिका में पाए जाते थे। इनके पंखों का फैलाव लगभग 35 फीट से लेकर 45 फीट तक हुआ करता था और इनकी ऊंचाई लगभग 20 फीट तक हुआ करती थी। इनका वजन 230 किलो से लेकर 270 किलो तक होता था। यह डायनासोर के छोटे बच्चों को खाते थे। नंबर 1, मोसासॉर्स। यह एक मांसाहारी और समुद्री जीव था, जो आज से लगभग 6 से 7 करोड़ साल पहले पाया जाता था। यह समुद्री तटों के आसपास रहा करते थे और इनकी लंबाई 40 से 50 फीट तक होती थी। इनका वजन 15,000 किलो से लेकर 20,000 किलो तक होता था और इनका बाइट फोर्स यानी काटने का बल 11,000 पाउंड प्रति इंच हुआ करता था, जो अब तक देखा गया किसी भी जीव में सबसे ज्यादा है।